वीडियो में आप ग्वार की हार्वेस्टिंग होते हुए देख रहे हैं। हालांकि बारिश आने के बाद व्यवस्था बिगड़ गई है और अमूमन अगर मैं बात करूं एक थप्पी की तो उसके नीचे 8-10 फलियाँ यहाँ नीचे गिर चुकी हैं और नीरे की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी डाउन है। नीरा जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं ये इस तरह से निकल रहा है क्योंकि इसकी जो स्थिति और कंडीशन है वो ख़राब हो चुकी है। हालांकि उत्पादन है उसके कलर में फ़र्क नहीं है, नीरे की क्वालिटी की मैं बात करूं तो रंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, रंग ठीक है, शानदार है, तो कीमत में या भाव में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है लंबा चौड़ा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं तो उत्पादन में ज़रूर नुकसान हुआ है क्योंकि जब ये थप्पी यहाँ से उठाती हैं तो थप्पियाँ उठाने के बाद क्या है कि फलियाँ नीचे काफ़ी झड़की हुई है, रह गई है फलियाँ, जिसके कारण क्या है कि थोड़ा नुकसान हुआ है। और ग्वार की उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल के आसपास उत्पादन हुआ है। आप लोगों के यहाँ ग्वार कैसा हुआ है, ग्वार का उत्पादन कितना हुआ है, ग्वार की कंडीशन क्या थी और फलियाँ, जैसे कि आपको मैं बताऊँ फलियाँ भी खूब है, ये नहीं है कि भैया फलियाँ भी कम है, ये देखिए आप फलियाँ भी ज़बरदस्त है, फलियाँ में कोई कमी नहीं है। ये देखिए आप